जब तक वो अपने आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं करता तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं है। अपन कहते हैं ना, यदि कोई भी व्यापारी हो या कोई भी गृहिणी हो, यदि उसे घर का अनुभव नहीं है या व्यापार का अनुभव नहीं है तो वो अपने व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। घर के काल में कार्यों में यदि गृहिणी कुशल ना हो तो घर के काम हो सकते हैं, घर व्यवस्थित चल सकता है। बिना अनुभव के घर नहीं चलता, बिना अनुभव के दुकान नहीं चलती। तो व्यापार करने के लिए भी कुशलता चाहिए, घर चलाने के लिए भी कुशलता चाहिए। ऐसे ही यदि संसार में यदि जीव यदि चाह रहा है कि संसार में रहते हुए भी संसारी सहयोगों के बीच में रहते हुए भी हमें आत्मा का हित करना है या जन्म मरण के बंधन से छूटना है, अनंत काल से जो जन्म मरण हो रहा है इस बंधन से मुझे छूटना है, तो इसके लिए भी जीव का ज्ञान कुशल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उसे।
क्या अनुभव होना चाहिए भैया, कैसा अनुभव होना चाहिए उसे, वर्तमान में अब हर परिस्थिति का अनुभव होना चाहिए। क्या अनुभव चाहिए आप बताओ तो, कि संसार से विरक्त होने के लिए कैसा अनुभव चाहिए। अरे पल पल होते हुए दुख का अनुभव होना चाहिए। राग में कितना कलह भोग रहे हैं अपन, द्वेष से अपनी आत्मा कितनी कलह हो रही है, ये संयोगों में अपनापन करके और अपनेपन की भावना प्रकट होने से हम निरंतर कितने दुखी हो रहे हैं। हम जितना जीवों से अपनत्व करते हैं, जितना हम जीवों से अपनत्व चाहते हैं, क्या उतना अपनत्व जैसा हम चाहते हैं क्या वैसे प्रत्येक जीव परिणमित हो रहा है? जितना अपन अपनत्व चाहते हैं उतना मिल रहा है? जितना हमारा राग है निमित्तों से, क्या जिन निमित्तों से हमारा राग है क्या वो हमारे अनुरूप परिणमित हो रहा है? तो आकुलता ही तो भोग रहा है ना। यदि किसी से हमें द्वेष है, किसी के प्रति हमें क्रोध आ रहा है, तो उसके प्रति नाना प्रकार के विकार परिणाम करके, उसके प्रति द्वेष आदि के परिणाम करके हम अपना ही तो अंतर में कलह भोग रहे हैं ना। तो अपने ही तो असाता व्यक्ति का अज्ञान भावनाओं का संशय करके अपना ही तो संसार का दुख बढ़ा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। ये अनुभव है कि नहीं? यदि हम किसी की चिंता कर रहे हैं, यदि हम किसी के लिए रो रहे हैं, किसी का वियोग हो गया, तो यदि किसी के वियोग में हम रो रहे हैं या किसी का संयोग है, अपन जैसे संयोग चाहते हैं, यदि अपने को वैसा संयोग है, यदि उसके संयोग में अपन प्रसन्न हो रहे हैं, राग अपना वर्ण आ है, तो ये अपने को अनुभव है कि नहीं जीवन भर का? क्या कि ये सारे परिणाम हमें अभी वर्तमान में ही दुखी कर रहे हैं, ये अनुभव है कि नहीं? तो हम फिर से बोल रहे हैं, मार्ग की बात नहीं। यदि आपको हमें समझ में आ जाए तो ही आपका हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं बने। जैसे कि व्यापार चल, व्यापार व्यापारी का व्यापार अनुभव से चलता है कि नहीं? जैसे कि कोई भी यदि अपनी गृहस्थी का कार्य कर रहा हो, तो गृहस्थी गृहिणी गृहिणी गृहस्थी का अनुभव से होता है, पता ही नहीं होता। ऐसे ही जीवन में यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आपके पास अनुभव होना चाहिए संसार का। तो संसार का क्या अनुभव है आपके पास? क्या अनुभव है? कि राग देश के परिणामों से मेरी आत्मा को क्या प्राप्त हुआ? राग करा, अपनत करा, तो जिससे अपनत करा वो अपने रूप परिणामित नहीं हुआ तो दुखी हुए। द्वेष करा, वैर विरोध के परिणाम करे, तो अंतर आत्मा क्रोध में जली, द्वेष परिणति में जली, नाना प्रकार के असाता वेदनी कर्मों का आश्रय हुआ। यदि कर्ता बने, कर्ता बुद्धि लगाई और अपने अनुसार कार्य नहीं हुआ तो परेशान हुए। यदि कर्मों का असाता साता का उदय भोगने में लगे तो सुखी दुखी हुए। भगवान जी मेरे जीवन, मेरे जीव ने इस संसार का क्या अनुभव ग्रहण किया? क्या अनुभव हुआ मुझे? राग करो तो दुख, द्वेष करो तो दुख, कर्ता बुद्धि लगाओ तो दुख, है ना, किसी से ममत्व करो, एकत्व करो, कुछ भी करो, यहाँ दुख के अलावा और कुछ प्राप्त होता? आकुलता के अलावा कुछ प्राप्त होता नहीं। जब इतना अच्छा अनुभव आपके और हमारे पास है, ध्यान से, जब इतना अच्छा संसार का अनुभव आपके और हमारे पास है, इस संसार में प्रत्येक घटना दुख का कारण है। हमारा इन इंद्रिय विषय संयोगों में हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो सब दुख का ही कारण बनते हैं, दुख का ही साधन बनते हैं। तो जीवात्मा, जब आपका हमारा अनुभव इतना प्रमाणिक अनुभव है, इतना प्रमाणिक अनुभव है कि अपनत्व करो तो दुख, कर्तव्य की भावना करो तो दुख, ममत्व का भाव रखो तो दुख, किसी से द्वेष की भावना रखो तो दुख, जब इतना बढ़िया अनुभव है, यदि इष्ट का वियोग हो जाए तो दुख, और यदि कोई अच्छा ना लगता हो, कोई अपने मन को ना भाता हो, उस अनिष्ट का संयोग हो जाए तो दुख। भगवान जी, तो इस संसार में आपने और हमने इस संसार में दुख के अलावा अनुभव काय का किया? ये बताओ, काय का किया? सुख मांग रहे थे, अनुभव की बात कर रहे हैं। आप और हम अज्ञान के कारण से इंद्रिय विषय में सुख मान रहे थे, लेकिन अनुभव बताओ, अनुभव। जैसे कहते ना, हमने 50 साल से जीवन किया, हम 50 साल से 60 साल से समाज में है, हमें पता है, हमें समाज में रहने का अनुभव है, हमें व्यापार करने का अनुभव है, हमें घर गृहस्थी कार्य करने का अनुभव है। क्यों? क्योंकि 50-60 साल से हम
इन संयोगों में रहे हैं। तो हमें अनुभव है, हमारा अनुभव बोलता है, हमारा जीवन बोलता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। 60-60, 70-70 साल का अनुभव है कि नहीं, क्या सही है क्या गलत। भगवान जी ऐसे ही इस संसार में आप 50 साल से 60 साल से 70 साल से अपने यहाँ बाल सफेद हो गए अपने पूरे। अब ये बताओ कि 70 सालों का अनुभव क्या है, 60 साल का अनुभव क्या है, जल्दी बताओ। बहुत अपन आगे की ओर चले, नहीं तो 70 साल का क्या अनुभव है। तुमने पुत्र परिवार का पालन पोषण कर लिया, दुख के अलावा क्या मिला, विकल्प के अलावा क्या मिले, विकल्प भी मिले ना। तुमने खूब राग कर ला तो तुम्हें विकल्प मिले, तुमने इस राग के कारण से इन राग की पूर्ति ना होने वाले निमित्तों से अन्य लोगों से विरोध कर लिया, लड़ लिए, झगड़ लिए, द्वेष परिणति से अंतर आत्मा में क्रोध से जलन के अलावा क्या मिला। मैं करता हूँ, घर का काम मैं करता हूँ, परिवार की व्यवस्था में बनाता हूँ, ऐसे कर्तव्य की मानता करके, जब कार तो अपने समय की योग्यता से होते हैं, जब अपने समय की योग्यता से कार नहीं हुए तो तुमने कर्तव्य के अलावा क्या होगा। कर्तापने की मानता ने अंतर में कि मेरे अनुसार कार नहीं हुआ, तो इस कर्तापने की मानता ने तुम्हें मन को छेदने के अलावा क्या किया। राग ने भी तुम्हें दुखी दिया, तुम्हें जितना अपना तो चाहते उतना मिलता नहीं, जैसा अपन चाहते वैसा होता नहीं। द्वेष करा तो साक्षात दुख है ही, वो तो साक्षात काल है। अंतर में संकल्प विकल्प ईर्ष्या भाव और नाना प्रकार के काम क्रोध आदि के भाव से मेरी आत्मा जली है। और यदि अपनत्व भी किया तो भैया जैसा चाहते हैं वैसा तो प्राप्त किसी को। एक बात बताओ, इस पूरे जीवन में अपने यहाँ बाल पकाए हैं तो ये बताओ कि अपने जीवन का अनुभव क्या है। आकुलता, दुख, यही अनुभव है ना, और कुछ है? अभी भी कोई सुख की चाहना है, अभी भी कोई सुख ढूंढ रहा हो, जब पूरा जीवन का अनुभव ही दुख है, पूरे जीवन का एक्सपीरियंस ही दुख है, तो अभी भी क्या कहीं सुख ढूंढ रहा हो। जल्दी बताओ, जब इष्ट का वियोग होने में दुख, अनिष्ट का संयोग होने में दुख, रोग सुख की चिंता में दुख, जब आप और हम चारों तरफ दुख का अनुभव कर रहे हैं, चारों तरफ, तो भगवान जी हमारे जीवन भर का अनुभव क्या है संसार का। अच्छा सारे समय कहते हैं संसार वह दुखानी वैराग्यम ये चिंते, कि संसार में आपका और अनुभव हमारा अनुभव है कि संसार में भय और दुख के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। हमारा पूरा जीवन का अनुभव है, हमने इस संसार को जिया है कि हमें अपने परिणामों से हमने जब भी पर को चाहा है पर हमारे अनुसार परिणामित हुआ नहीं, जैसा हम चाहते थे वैसा कभी हुआ नहीं, तो हमने इन निमित्तों में भयभीत बना और दुख के अलावा कुछ होगा नहीं। भयभीत बने रहा है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना कर दे, ये ऐसा ना कह दे, वो ऐसा ना बोल दे, वो वैसा ना कर दे, ये भय बना रहा और दुख बना रहा। हमने इस संसार में राग करके, द्वेष करके, कर्ता बुद्धि लगा के, भोक्ता बुद्धि लगा के जो कुछ भी किया वो हमारे दुख के अलावा किसी का कारण है कि नहीं। जीवन भर का अनुभव है भगवान जी, जब जीवन भर का अनुभव ये है कि इस संसार में मैंने शादी करके, बच्चे करके, नौकरी करके, दुकान चला के, इन सारी व्यवस्थाओं को बना के मैंने अपने अपनत्व मोह राग के कारण दुख ही होगा है, जब पूरे जीवन का अनुभव है तो भव्य आत्मा आप इस मोह से विरक्त क्यों नहीं होते। अब क्यों इन संयोगों से कर्ता बुद्धि नहीं तोड़ते, अब क्यों भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाते, अभी भी क्यों इस संसार के अज्ञान जाल में, इस मोह के अज्ञान भाव में अभी भी क्यों फंसे रहना चाहते हो, अब क्यों तत्व का निर्णय नहीं करते, अब क्यों वस्तु स्वभाव का विचार नहीं करते। जीवन भर का अनुभव दुख और कले को ही भोगा है, जब जीवन भर आकुलता का ही अनुभव किया है कि इन संयोगों में आकुलता के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जीवात्मा जब जीवन भर आकुलता का ही अनुभव किया है तो आज आज इस समय इस घड़ी उस निराकुल तत्व को, उस भगवान की वाणी में जो वीतराग तत्व का उपदेश है,
जिस शुद्ध आत्मा की महिमा यहाँ बताई जा रही है, जिस ज्ञान स्वभाव का बहुमान आचार्य तारण स्वामी कर रहे हैं, आज उस गायक ज्ञान में वितराग स्वभाव को, आज उस तत्व को स्वीकार क्यों नहीं करते? देखो तो इन सारे दुखों और भयों का नाश करने वाला एकमात्र मेरा अंतर में गायक स्वभाव है। जिस स्वभाव के निकट आके मैं इन अनंत काल के दुखों को और इस पूरे जीवन भर के दुखों को क्षण मात्र में नष्ट कर सकता हूँ, अनंत काल के भय को क्षण मात्र में नष्ट कर सकता हूँ, वो मेरा मात्र गायक स्वभाव है। आज भी इसकी महिमा क्यों नहीं आ रही? आज इसका बहुमान क्यों नहीं आ रहा? या तो तुम्हें अनुभव नहीं है, तुमने संसार में धूप में बाल सफेद करे, कहते हैं धूप में बाल पका है, वही तो हम कह रहे हैं कि आपने संसार को अनुभव से नहीं जिया, धूप में बाल पका है आपने और हमने संसार को अनुभव से नहीं जिया, धूप में बाल पका है संसार को अनुभव से जिया होता तो एक पल की शांति नहीं होगी, एक क्षण के लिए आराम नहीं कर पाए, हाय 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 कले कले ऐसा कर लो वैसा कर लो ऐसा बना लो ऐसा खा लो इसका पालन उसका पोषण यहाँ से ले आओ वहां से ले आओ, दिन भर अपनत्व कर्तत्व ममत्व भोक्तत्व के दुखों के अलावा मेरे जीव ने कुछ भोगा ही नहीं है। और यदि अभी भी ये अनुभव प्रकट नहीं हो रहा अपने को, ये अनुभूति में जागृत नहीं हो रहा कि मैंने संसार में दुख के अलावा आकुलता के अलावा और कोई उपभोग नहीं किया, यदि आज भी मुझे ऐसा अनुभव प्रकट नहीं हो रहा, ऐसी अनुभूति जागृत नहीं हो रही कि मैं दुख के अलावा और कुछ नहीं भोगा, आकुलता के अलावा और कुछ नहीं होगा, यदि ऐसी अनुभूति मुझे आज भी प्रकट नहीं हो रही तो मैंने धूप में बाल सफेद किए, धूप में बाल पका है, मतलब अनुभव अपन कहते हैं ना कि इतने दिनों से काम कर रहे हैं धूप में बाल सफेद करे कछु अनुभव तो है, समय बर्बाद किया अपना जीवन का। यदि अपन ने तो अभी भी अनुभव नहीं आया तो आपने और हमने अपने जीवन का पूरा समय बर्बाद किया है, और आपने और हमने यदि अपने जीवन का पूर्ण समय बर्बाद किया है, जीवात्मा दुर्गति के अलावा और कोई उपाय नहीं और कोई मार्ग, समय ही तो बर्बाद किया, कहीं राग में कहीं अपनत्व में कहीं कर्तत्व में कहीं भोक्तत्व में मैंने दुखी दुख उठाए, अच्छा था राग से दुख उठाया कि नहीं उठाया, सही बात कैसे उठाया, अच्छा उदाहरण देना एक, राग राग से तो सुख मिलता है, राग से दुख कैसे उठाया उदाहरण नहीं है, बोले जल्दी जल्दी टाइम नहीं, राग से दुख कैसे उठाए, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और बोला राग से दुख कैसे उठाए, ये बात तो बहुत अच्छा आंसर बोले ली, राग से कैसे उठाए, बहुत बढ़िया जब और बहुत अच्छा, और राग से दुख, वाह गजब, और बोलो आपने तीन बार एक साथ बोल दी, और बताओ राग से दुख, चलो बढ़िया, देखो ये बहुत सारे पॉइंट निकल के आए, इन्होंने कहा राग के कारण हमने जीवन भर उनको नौकरी करके दुख भोगा, उनकी सेवा करके दुख भोगा, वो उनकी पोटी तक धोई साफ तक करी, राग के कारण मैंने क्या नहीं करा, दिन में नहीं सोए रात में नहीं सोए, जो नहीं कर सकते तो वो करा, देख लो ये राग की महिमा। और सुनो तो वो सामने वाला दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जिससे राग करा वो ही हमारी बात नहीं मान, वो ही हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर, उससे ही संतुष्टि नहीं मिल रही, यदि हमने जिससे राग किया होता यदि वो हमारे अनुसार परिणमित हो जाता तो भी
अच्छे होता लेकिन हम तो राग कर करके मर गए, लेकिन वो व्यक्ति तो हमारे दुख परिणाम दे रही। और तो सुनो, तेरे राग के कारण हम क्या करते रहे, उससे अपनत्व पाने की इच्छा करते रहे कि भैया हमें अपने अनुसार अपनत्व मिल जाए, लेकिन जब हमें उससे अपनत्व नहीं मिला तो दुखी हुए। देखो हम तो मरे जा रहे हैं और सामने वाले को कोई चिंता ही नहीं। और फिर तो देखो, राग के कारण यदि अपने अपनत्व की पूर्ति नहीं हुई, तो यदि सामने वाले से राग है तो उससे अपनत्व की पूर्ति नहीं हुई, या तो उससे द्वेष हो गया, तो यदि सामने वाले से राग है, सामने वाले से अपने को राग है, तो उससे 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 जिस जिसको द्वेष है उसके कारण से हमें ना जाने कितनों से द्वेष हो गया। यदि हमें किसी से राग है उसके निमित्त से हमें ना जाने कितनों से द्वेष हो गया, कितनी बड़ी बात है कि राग के कारण हम पति को तो जीवन में सुधारने के विकल्प में लगे रहे, लेकिन खुद तो कभी सुधार ही नहीं पाए। ये तो शुरुआत हुई है कि इस राग से, इस अपनत्व के निमित्त से हमें इतने दुख हो गए हैं, इतने दुख हो गए हैं, जिन दुखों की यदि लिस्ट निकाली जाए तो पूरा जीवन करता भोगता और जो करता पने का जो पूरा जीवन भर अपना भाव चला है, इस राग के कारण हमने इतनी वेदना भोगी, इतनी वेदना भोगी है जिसका कोई हिसाब किताब होगी कि नहीं होगी। वही तो हम आपसे और हम और यही बैठकर चिंतन करना चाह रहे हैं, यही तो चिंता करना चाह रहे हैं कि जिस राग के कारण हमने जीवन भर दुख उठाया है, जिस द्वेष के कारण हमने जीवन भर दुख उठाया है, जिस कर्ता बुद्धि, जिस ममत्व भावना के कारण हमने जीवन भर दुख उठाया है, फिर भी क्या अनुभव है, जीवन का क्या अनुभव है, क्या अनुभव है? आपदा के अलावा कुछ नहीं मिला। वो परमार्थ की बात अभी अपने आ रहा नहीं आ रहा। यदि हाँ अपन वहां भी आ रहे हैं, यदि अपने को यदि ये अनुभव जीवन में निचोड़ निकल आए बहुत अच्छे से, यदि हमारे जीवन में निचोड़ निकल आए, हमारे जीवन में यदि ये अर्थ निकल आए, संतान निकल आए कि मेरे राग के परिणाम हो चाहे द्वेष के परिणाम हो, चाहे मेरी कर्ता बुद्धि हो चाहे मेरी भोक्ता बुद्धि हो, मैंने इन परिणामों से अपने जीवन में आग ही लगाई है, चाहे पुत्र के निमित्त में हो, चाहे पति के निमित्त में हो, चाहे परिवार के निमित्त में हो, चाहे समाज के निमित्त में हो, चाहे पड़ोसी के निमित्त में हो, मैंने अपने जीवन में इस राग और द्वेष की भावना से अपने जीवन में आग लगाई है, समता जैसा कोई भाव मेरे जीवन में नहीं। भगवान जी ध्यान तो रखो, थोड़ा ध्यान तो रहो दो, थोड़ा ध्यान तो दो, इस राग द्वेष की भावना ने, इन कर्तव्य भोक्तृत्व की भावनाओं ने मेरे पूरे जीवन को तबाह किया है। आज क्या अनुभव बताओ, आज अनुभव क्या है, क्या अनुभव है? यदि आज भी यदि इन्हीं में सुख की चाह में जी रहे हो, आज भी यदि इन्हीं से सुख चाहते हो, तुम और हम, हमसे बड़ा कोई मूर्ख इस दुनिया में है? जब पूरे जीवन भर का अनुभव है जैसा चाहते थे वैसा तनिक भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी हो जाता तो शांति रख लेते, जैसा हुआ वैसा में सुख मानने लगे, तो हमारी मजबूरी एडजस्ट करना पड़ा, जैसा हुआ वैसे में सुख मानना मजबूरी हो गई, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा तो दुख के अलावा जीवन में और कुछ हमने नहीं होगा। उसके बाद भी आज भी यदि हम इन पर से ही सुख चाहते हैं, इस पर को ही अपने अनुसार परिणमित करना चाहते हैं, इस पर से ही यदि अपने अंदर हृदय में इस पर से ही यदि हम आत्म शांति की खोज कर रहे हैं, सुख की खोज कर रहे हैं, यदि आज पर से ही हम सुखी होना चाह रहे हैं, तो हमने बाल धूप में सफेद करें, संसार में जिए तो लेकिन बिना अनुभव के जिए, संसार में जिए तो लेकिन हमारे पास संसार में जीने को कोई एक्सपीरियंस नहीं। मान लो चौके में 15 साल से भोजन बना रहे हो और आप रोटी गोल नहीं मिल पा रहे, तो क्या कहो? यदि कोई बहू 15 साल से रोटी बना रही हो चौका में और रोटी गोल नहीं मिल रही हो, तो क्या कहोगे?
चौके में सिर्फ जबरदस्ती पटक दिया जाता है, कहना कहीं हिंदुस्तान का रक्षा बनता है, कहीं पाकिस्तान का रक्षा है कि नहीं। यदि कोई लड़का आपके साथ दुकान पे 20 साल से बैठ रहा हो, 15 साल से बैठ रहा हो, और वो नफा और नुकसान का अंतर ना जाने, तो क्या कहोगे? कि वो दुकान पे बैठ रहा है, पिताजी जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, उसको वहां कोई इंटरेस्ट कोई अनुभव नहीं है कि नहीं। और यदि अनादिकाल से मैं जन्म मरण कर रहा हूँ और अभी 50-50, 60-60 साल से मैं संसार में सुख की मान्यता करके कहीं अपनत्व में, कहीं कर्तृत्व में, कहीं भोक्तृत्व में, कहीं मत में, नाना प्रकार की राग देश की परिणति में मैं इतना दुख भोगने के बाद, इतनी आकुलता दिन रात भोगने के बाद, यदि मैं अभी भी यही मान रहा हूं कि मैं ही करता मैं ही भोगता हूं और इन बाहर के संसाधनों से मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, तो आप क्या इस संसार में कोई अनुभव प्राप्त कर पाए? जबकि कह रहा हूं संसार क्षणभंगुर है, संयोग क्षणभंगुर है, पुत्र परिवार हमेशा साथ रहने वाले नहीं, पुण्य का उदय हमेशा साथ रहने वाला नहीं, कब पाप का उदय आ जाएगा, कब संयोग वियोग में हो जाएंगे, कब इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, कब मेरे पास विचार करने की शक्ति भी नहीं बचेगी, कब मेरा आयु का अंत आ जाएगा, कब मेरी आत्मा दुर्गति में चली जाएगी, ये सब जानने के बाद भी और जीवन भर के दुख उठाने के बाद भी, अपनत्व के, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, ममत्व के इतने अनंत दुख उठाने के बाद भी, यदि आज भी हम अपने गायक तत्व परमात्मा का, अपने अंतर आत्म स्वभाव का अनुभव करने के लिए यदि तैयार नहीं है, तो आपके और हमारे पास क्या अनुभव है संसार का, ये बताओ। यदि आज भी इतना सब भोगने के बाद भी संसार है दुख्यानी, संसार तो भय और दुखों की खान है, दारुण दुखों की खान है, वैराग्यम ये चिंते, हे भव्य आत्मा यदि कुछ चिंतन करना चाहते हो, कुछ मनन करना चाहते हो, तो संसार के विषयों की चिंता मत करो, यदि कुछ चिंतन करना चाहते हो तो इससे वैराग्य का चिंतन करो कि इस संसार में कभी सुख मिलने वाला नहीं है, और शाश्वत सुख तो मेरे निज अंतर आत्मा में विद्यमान है, अपने आत्म सुख का चिंतन करो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो मानेंगे कि हाँ हम संसार में रहे हैं पर हमें संसार में रहने का अनुभव है। क्यों अनुभव है? क्योंकि हमें यह अनुभव है कि हमने यह कले और दुख के अलावा और कुछ नहीं होगा, यहाँ हमने आकुलता के अलावा और कुछ नहीं होगा, यह हमने वेदना के अलावा और कष्ट के अलावा और कुछ नहीं होगा। और जब हमने कष्ट ही भोगा है, वेदना ही भोगी है, आकुलता ही भोगी है, तो अब एक ही उपाय है समता के लिए, शांति के लिए, निराकुलता के लिए, ये भगवान के दिव्य वचन और अपने गायक तत्व की शरण ही एकमात्र उपाय है। सच्चा भेद ज्ञान ही एकमात्र उपाय है जो हमें इस अनंत संसार से छुड़ा सकता है, अनंत दुखों से छुड़ा सकता है, जन्म मरण की वेदना से बचा सकता है। वो एक उपाय है अपने अंतर स्वभाव का दर्शन, अपने आत्म सुख की प्राप्ति, अपने अंदर में बैठे हुए परमात्म पद की स्वीकारता। एक ही उपाय है कि देह देवालय में जो देव बस रहा है उस देव का दर्शन, देह देवालय में बसे देव का दर्शन हो जाएगा तो हमारा अनंत संसार क्या होगा, छूटेगा कि नहीं? राग आग कहे सदा ताते सम्मृत से चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निष्पद वे। क्या करना है? भैया मेरा बाल तो सफेद होगा है लेकिन अनुभव कुछ नहीं, जीवन तो निकल गया लेकिन उस जीवन में जीने की कला नहीं सीखी, जीवन तो निकल गया लेकिन इन मुर्दा अचेतन के साथ जीते जीते निकल गया, घर अचेतन, दुकान अचेतन, पुत्र परिवार संयोग अचेतन, शरीर अचेतन, जीवन तो निकल गया लेकिन मुर्दाओं के बीच में रहते रहते निकल गया। जीवन तो निकला
लेकिन जड़ भाव के साथ जीते जीते निकल गया। जीवन तो हमने व्यतीत किया लेकिन अचेतन जड़ पदार्थों में जीवन व्यतीत किया, अचेतन में परमात्मा माना, बाहर परमात्मा की खोज करी, घर पुत्र परिवार को इसको अपना मान के जीवन किया, लेकिन कभी भी अपने अंतर में जो शाश्वत चेतन सत्ता है उस रूप आत्मा का दर्शन करने की भावना हमारे अंदर में कभी प्रकार। जीवन तो जिया लेकिन जड़ के साथ जिया, चैतन्यता से जीने की भावना आई क्या? जीवन तो जिया लेकिन चैतन्यता के साथ जिया, मृत अचेतनता के साथ जिया, जीवत्व की भावना के साथ जिया या जड़त्व की भावना के साथ जिया? जड़ता सहकार करके, जड़ की वंदना करके जड़त्व को महत्व दिया, निजना चैतन्य की वंदना करके चिदानंद स्वभाव की भावना लाके अपने आत्म कल्याण का मार्ग बनाया, कहां जिया? चैतन्य के साथ या जड़ के साथ? कहां जिए? जीने वाले के साथ जिए। मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन में ही है, चैतन्य स्वभाव ही है, ज्ञान दर्शन का पिंड है, इसमें चैतन्यता 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 और अनंत चैतन्यता बलस रही है। क्या कभी इस चैतन्य मात्र स्वभाव के अनुभव के साथ जिए? हाँ, मेरे अंतर में मेरा शाश्वत सुख है, रहने वाले मेरा परम देव है, मेरे अंतर में मेरा गायक परमात्मा विद्यमान है। क्या इस चैतन्य के दिग्दर्शन के साथ जिए? नहीं जिए, बस अचेतनता में घर में पुत्र में परिवार में देवालय में यहाँ जीवन निकलता रहा, भैया देह में बैठे हुए देव को कभी देह स्वीकार नहीं, उस परमात्मा को कभी स्वीकार नहीं किया, उस परम सत्ता को कभी दर्शन नहीं किया, और उस परम सत्ता का दर्शन नहीं किया तो सम्यक दर्शन की भावना प्रकट, आत्म दर्शन की भावना प्रकट नहीं। जिम्मेदारी मानी ना, क्या जिम्मेदारी है? घर को चलाना, दुकान को चलाना, मंदिर जाना, ये जिम्मेदारी है, आत्म कल्याण करना। भेद ज्ञान करना क्या है? हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, तो अपन ने बाहर के संयोगों में कर्तव्य को तो मान लिया। भैया जैन धर्म कर्तव्य को छुड़ाता भी नहीं, नीतिवान कर्तव्य को नहीं छुड़ाता। याद रखना, जैन धर्म नपुंसक को धर्म ही नहीं है, जैन धर्म जो नीति से कर्तव्य होते हैं, नीति से, जहां हिंसा आदि का अभाव नीति से जो होते हैं, या हो भी तो आरंभ ही हिंसा हो, संकल्प भी तो हो ही ना, जहां जैन धर्म नीति के कर्तव्यों से नहीं भगाता, जो नीति रूप कर्तव्य है आपके दुकान मकान व्यापार आदि संयोग में जो नीति रूप कर्तव्य है उनसे विमुख करने वाला जैन धर्म नहीं, वो तो आवृत श्राव आवृत सम्यक दृष्टि को भी आवृत्ति को भी श्राव कहता है, मोक्ष मार्ग भी कहता है। जैन धर्म तो इतना न्याय करता है, कितना न्याय करता है कि घर गृहस्थी पुत्र परिवार इन सारे संयोगों में रहने वाले को मोक्ष मार्ग ही कहता है। जैन धर्म का व्यवहार तो इतना नीति में है, इतना नीति में है कि वो घर में रहने वाले को मोक्ष मार्ग ही कहता है, तो इतनी नीति है वहां कि कर्तव्य के बीच में अपने कर्तव्य के बीच में अपनी कर्तव्य की भूमिका का पालन करने वाले को वो मोक्ष मार्ग ही कहता है। तो इतनी नीति, इतना न्याय है, एक ही नहीं न्याय इतना कि रह रहा है गृहस्थी में पुत्र परिवार के बीच में राग की दशा में और कह रहा है जैन धर्म ये मोक्ष मार्ग ही है, ये भगवान है, ये सम्यक दृष्टि है, ये अपने कल्याण को अपने कल्याण अर्थात आत्म कल्याण करके निर्वाण को प्राप्त करने वाली आत्मा है। जैन धर्म की तो इतनी नीति है, तो कर्तव्य के बीच में कर्तव्य का पालन करते हुए जीव को मोक्ष मार्ग दिखाता, इतनी नीति है। लेकिन किसकी? जो इस कर्तव्य इन कर्तव्यों के बीच में इनसे भिन्न अन्याय अनीति से अवक्त से छूट के इनसे भिन्न अपने ज्ञान तत्व के बोध में जीते हैं, अपने चैतन्य तत्व के बोध में जीते हैं, जिन्हें स्वरत रहती भैया जीना तो जीवन तो जीवन जीना तो जीने वाले के साथ जीने में आनंद है, अपनी चैतन्यता अपनी प्रभुता में अरिहंत परमात्मा के समान केवल ज्ञान दर्शन में जीवन जीने में आनंद है, सिद्धों के समान अशरीरी होकर जीने में आनंद है,
जहां मेरे पास कोई बाधा ना हो, कोई आपत्ता ना हो, कोई रोग शोक ना हो, ना कोई भूख प्यास हो, ना भैया 18 दोस्त तो हो ही ना। आ शरीर सिद्ध भगवान ऐसे परम आनंद में जिए तो जीना है, आत्मा की सुरत में जिए, अपने अंतर स्वभाव की विदिति में जिए तो जीवन में जीना है। एक ज्ञान का प्रकाश हो रहा हो, पर से भिन्न आत्मा जानने में आ रही हो तो जीवन जीना है, नहीं तो नहीं तो बोले चलिए नहीं तो पल पल भाव मरण के अलावा क्या है? राग की भावना में, द्वेष की भावना में, कर्तृत्व की भावना में, भोक्तृत्व की भावना में एक एक समय भाव मरण के अलावा क्या है बताओ? भाव मरण है कि नहीं? कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं मोह, कहीं अपनत्व, पर के संयोग से राग द्वेष के विकल्प हो रहे हैं। यदि अपने आत्म तत्व की सुरत नहीं है, जीने वाले गायक परमात्मा गायक स्वभाव के साथ अपना जीवन नहीं है तो पल पल हर समय भाव मरण है कि नहीं? मेरी आत्मा भाव मरण कर रही कि नहीं कर रही? अज्ञान भाव में, आद्य कर्मों में बंधी हुई मेरी आत्मा राग देश की भावनाओं से भाव मरण कर रही कि नहीं कर रही? पल पल मर रही कि नहीं मर रही? भैया क्या इस मरण से मुक्त होने का उपाय है? है कि नहीं? जीवन भर के जैन धर्म प्राप्त किया है, जीवन भर का कोई अनुभव है कि नहीं कि इस भाव मरण से बचने का क्या उपाय? वेद विज्ञान है, स्वभाव को स्वीकारता है। भैया यदि आपका अनुभव ये कह रहा है कि इस दुख से, इस पीड़ा से, इस अनंत दुखों से, इस पीड़ा से बचने का एकमात्र उपाय वेद ज्ञान ही है, यदि आपका हमारा जीवन का अनुभव ये कह रहा है कि हम दुखों से बच सकते हैं सिर्फ वेद ज्ञान के बल पे, अपने आत्मा का सच्चा निर्णय के बल पे ही हम इन दुखों से बच सकते हैं, आपका अनुभव और हमारा अनुभव ये कह रहा है, भव्य आत्मा भेद ज्ञान करते क्यों नहीं और अपने अंतःकरण में भेद ज्ञान की ज्योति जलती क्यों नहीं? ये शरीर अलग है, ये संयोग अलग है, ये होने वाला बाहर का परिणाम अलग है, तो मेरी ध्रुव चेतना इन सब पर्याय भाव से अलग है, मैं आत्मा इन संयोगों में रहते हुए भी इन पुद्गल जड़ भाव के बीच में, इन पुद्गल जड़ संयोग के बीच में रहते हुए भी मैं चैतन्य गायक स्वभावी परमात्मा ही हूं, इस परम सत्य के साथ जीते क्यों नहीं? कि जीने की भाव नहीं खत्म हो गई, मरते मरते भाव मरण करते करते इन जड़ अचेतन के साथ रहते रहते, जड़ जड़ संयोग के साथ, भौतिक विषयों के साथ रहते रहते कहीं जीने की भावना समाप्त तो नहीं हो गई? जोर से फिर पूछे, चिल्ला के पूछे, पति पत्नी पुत्र परिवार मकान दुकान धन दौलत राग देश आठ कर्म, इन जड़ विषयों के बीच में जड़ परमात्मा, जड़ भगवान, जड़ ही देवता, पैसा ही परमात्मा, इन जड़ों के, इन जड़ अचेतन भाव के बीच में, इन जड़ संयोग के बीच में जीते जीते, इन मुर्दा भाव मरण के बीच में जीते जीते कहीं जीने की भावना तो खत्म नहीं हो गई? उदाहरण दे क्या कुछ? भैया जो लोग अपने जीवन से त्रस्त हो जाते हैं, आत्महत्या करने वाले जीव देखे कि नहीं देखे? जो जीव अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, जिनका अपने विचारों में कंट्रोल नहीं है, जो ज्यादा प्रपंच में फंस जाते हैं, उनकी जीने की भावना खत्म हो जाती है। कैसे जीने की भावना खत्म हो जाती है? उन्हें बाहर कुछ अच्छा नहीं लगता, उनकी जीने की भावना खत्म हो जाती है। क्या जीने की भावना खत्म हो जाती है? उनके जीवन का उत्साह खत्म हो जाता है, उनके संसार की रुचि खत्म हो जाती है। देखा कि नहीं देखा? सुसाइड करने वालों को वो ही देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, इनके अंदर में जो दुख आए, जो तकलीफ आए, जो इनके इन्होंने कर्म करे, जो इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया, सुन रहा है कि नहीं? उन सब करने से इनको
जीने की भावना ही खत्म, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, अंत में ये सोचा कि इस शरीर को, इस संयोग को खत्म कर दो तो ही हमारे दुखों का इलाज हो सकता है, तो ही हमारे दुख खत्म हो सकते हैं। अज्ञानी है लेकिन ये नहीं जानते कि इस भाव से आत्महत्या करके जाएंगे तो दुख 10 गुने नहीं, 1000 गुने नहीं, करोड़ गुने नहीं, अनंत गुने। नरकों में एक समय की वेदना इससे अनंत ज्यादा, अनंत अनंत ज्यादा है। आत्महत्या करने का परिणाम जो लोग करते हैं ना, उनके लिए वो गति निश्चित ही है कि यहाँ से ज्यादा दुख, यहाँ तो बढ़िया एसी है, कूलर है, पंखे है, सारी सुविधाएं है, लेकिन नर्क में तो इन लोग का भोजन करने की भूख है, लेकिन पल भर की शांति नहीं है। जो पल पल में कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, उनके लिए व्यवस्था नरकों में, तो उनकी बात तो अपन कर ही नहीं रहे, तो वो तो नरक जाएंगे, उनको तो यहाँ से अनंत गुना ज्यादा दुख भोगना। तो भैया हमने इतना अच्छा उदाहरण दिया आपको कि जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अनुत्साहित हो जाते हैं, जिन्हें अपने अंदर आत्म तत्व का निर्णय नहीं होता, वो तो काय की भावना करते हैं मरने, उनको बार बार मरण करने का परिणाम होता है, बार बार आत्मदाह करने का परिणाम होता है, बार बार ये परिणाम होता है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर दें तो सुख, तो ही सुख मिल पाए, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे ही हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, सावधान, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, कहीं मरते मरते भाव मरण करते करते, कहीं मनुष्य गति में, कहीं त्रियंश गति में, कहीं एक इंद्री में, कहीं दो इंद्री में, अनंत काल से मरण करते करते अपनी भी उस मरने की इच्छा करने वाले के जैसे, जो मरने की इच्छा करता है, मरने की इच्छा करने वाले की जैसे अपनी भी कहीं जीने की इच्छा तो खत्म नहीं हो गई। जीने वाले जीने की इच्छा नहीं, ये संसार में जीने की नहीं, जीने वाले के साथ जीने की, ज्ञाता रिश्ता भाव से जीने की, चैतन्य स्वभाव के साथ जीने की, आत्मबोध के साथ जीने की, अपने आत्मा के परम सुख अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में जीने की, अपने ज्ञायक स्वभाव में जीने की इच्छा खत्म तो नहीं हो गई। सही बोलना, झूठ मत बोलना, जनवाणी के सामने बैठे मुर्दाओं के साथ रहते रहते, इन जड़ भाव के साथ रहते रहते, बाहर में जन्म मरण करते करते अचेतन के साथ रहते रहते, इन चैतन्य स्वभाव के साथ, यदि अपने आनंद स्वभाव के साथ, अपनी अंतर आत्मा की ध्रुव तत्व की प्रतीति के साथ, यदि चैतन्य चेतन सत्ता के साथ जीने की इच्छा, आत्म कल्याण करने की इच्छा, भेद ज्ञान करने की इच्छा, यदि मेरी आत्मा की रुचि नष्ट हो गई है, भगवान जी जैसे आत्महत्या करने वाला नियम से दुर्गति जाएगा, वैसे जिसकी चैतन्य के साथ जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, आत्मबोध के साथ जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, वह व्यक्ति भी नियम से दुर्गति ही जाएगा। अब बता आप और हम कहां जाएंगे? कहां जाना है? जाना नहीं, नहीं कहां जाएंगे? हमें ये पूछा जाएंगे कहाँ? अपना अपने तो पूछ रहा, हम हमारा थोड़ी पूछ रहे, इसलिए आपको ही तो पूछ रहे कहाँ जाओगे। जल्दी बताओ कहाँ जाओगे? जीने वाले के साथ जीने का भाव खत्म हो गया, अपने चैतन्य स्वभाव के आनंद में जीने का भाव खत्म हो गया, हम हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, भगवान की वाणी को सुनके, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनके हम उमंग उत्साह भूल गए, मैं ज्ञायक आत्मा हूँ इस बात की प्रसन्नता हमारे अंदर से नष्ट हो गई, वही आकुलता, वही आत्रो ध्यान, वही हाय हाय, सुबह भी वही किलकिल, शाम को भी वही किलकिल, दिन रात मात्र एक ही का बोध रहता है, मरने वाले शरीर मरेगा, संयोग छूटेंगे, दिन रात इन अचेतन भाव का ही बोध रहता है, हम इस जड़ शरीर से और इन जड़ संयोगों से भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा की प्रसन्नता में जीना भूल बैठे हैं अनादिकाल से,
और आज भी इस चैतन्यमय आत्म तत्व के साथ जीने की भावना हमारे अंदर में है कि नहीं। देख लो भैया, जैसे आत्महत्या करने वाले जीव के अंदर में जीने की भावना ही समाप्त हो जाती है, वैसे ही शरीर आदि संसार में जन्म मरण करने वाले जीव के आदि के अंतर में अपने जीने वाले जैवंत स्वभाव भगवान आत्मा के साथ जीने की भावना ही खत्म हो गई है। पर आपकी और हमारी जब तक ये अंतर से जीने की भावना, अपने स्वभाव को स्वीकार करने की भावना जब तक हमारे अंतर में नहीं है, भाव मरण के अलावा हमारा जीवन कुछ करने वाला कौन सा मरण? भाव मरण तो हो ही रहा है और द्रव मरण भी नियम से हो रहा है। जिसका भाव मरण है उसका द्रव मरण तो हो गई। जो भाव में पल पल मर रहा है, राग भाव देश भाव कर्ता भाव भक्त भाव, जो राग देश भाव में अपलित व्यापलित हो रहा है, राग देश भाव में मर रहा है, वो नियम से जो भाव मरण कर रहा है वो द्रव मरण तो करेगा। क्या करना है आपने? चलिए बताओ, देखो टाइम बहुत कम है, फिर तो काम ही खत्म हो जाए। यानी जीव भेद ज्ञान की कला करना सीख जाए, जीव और अजीव का निर्णय करना सीख जाए, क्या चेतन है और क्या चेतन है, जड़ क्या है और ज्ञान दर्शन में चेतना क्या है, जीव जीव शक्ति क्या है और खुदगल अचेतन शक्ति क्या है, जड़ में और जीव में अंतर करना सीख जाए तो जीव जीव के दर्शन करे, क्योंकि तो जीव ये जीव रवि देवों का परम देव है, तत्वों में परम तत्व है, और जब परम तत्व को उस जीव को जानने की परम भावना प्रकट होगी तब उस जीव का अपने में दर्शन प्रकट होगा। जब उस आत्मा का अनुभव होगा तो तब मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त हो जाए। तो यदि अजीव में ही लगे रहे, पुद्गल में ही लगे रहे, पुद्गल की ही भाषा में अपना पूरा जीवन निकल जाए, पुद्गल से ही शुभ भाव और अशुभ भाव होते रहे, पुद्गल के निमित्त से या शुभ भाव या अशुभ भाव, पुद्गल के निमित्त से शुभ अशुभ भाव को ही, शुभ भाव हुए तो धर्म अशुभ भाव हुए तो कर्म, ऐसा मानते ना अपन। यदि अब पुद्गल के शुभ अशुभ भाव को ही हम धर्म धर्म और कर्म मानते रहे, जीवात्मा ए जीवात्मा अपने चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव कब होगा ये तो बता। अच्छे भाव होते भैया काय से? भैया भैया अच्छे भाव होते, अरे अच्छे होते हैं तो अच्छे ही तो होते हैं, शुभ ही तो होते हैं, वीतराग में अपने निज आत्मा के दर्शन कहाँ है ये तो बता, है कि नहीं? नहीं है भैया। आत्मा होती क्या है तो बताओ। सुना तो है हमने इस शरीर में कोई परमात्मा रहता है, सुना तो है भगवान की वाणी में, हमने सुना तो है कि इस देह देवालय में कोई देव बसता है, हमने हमने रोज भेद ज्ञान और तत्व निर्णय में पढ़ा तो है कि मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अभेद गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, पढ़ा तो है सुना तो है, लेकिन उस देव का दर्शन कभी किया नहीं, उस देव को कभी स्वीकार किया नहीं, उस देव का अनुभव करने के लिए हमारे अंदर कभी रुचि लगी नहीं है। हमारी रुचि हमेशा पर पदार्थों में लगी रही, हमारी रुचि हमेशा पर संयोगों में लगी रही, हम पर संयोगों में पर भाव में हमेशा डटे रहे, लेकिन कभी हमने आत्म तत्व को स्वीकार करने की चेष्टा की ही नहीं। जब मैंने अभ्यास ही नहीं किया, जब मैंने अपने चेतन स्वभाव को स्वीकार करने का अभ्यास ही नहीं किया, चैतन्य में जीवन जीने की भावना ही हमारे पास उत्पन्न नहीं हुई, तो हे भव्य आत्मा, जब जानने वाले के साथ देखने वाले के साथ आप और हम जिए ही नहीं, फिर भगवान आत्मा फिर आत्मा का हित होगा कैसे, कल्याण होगा कैसे, ये बताओ। जब जीने वाले के साथ जी नहीं रहे, अच्छा बताओ शरीर जीने वाला है कि मरने वाला, चलिए बताओ। हाँ, घर दुकान मकान परिवार जितने भी संयोग है वो चेतन है क्या चेतन, वो मुर्दा है कि जीव, किसके साथ जीते हो?
दस प्राण तो अपने अपने हैं, पड़ोसी के तुम्हारे थोड़े ना हो जाएंगे। अपने दस प्राण के साथ जीते तो भैया अपने के साथ जियो तो पर से कोई लेना देना ही, अपने प्राणों के साथ जियो तो फिर दूसरों से कुछ लेना देना ही नहीं है, पर पदार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। भैया अपने के साथ जीने की तो बात चल रही, अपने साथ जियो, ज्ञान का निष्ठा, अपने आप को चैतन्य में आत्मा ज्ञान दर्शन में भाव वाला स्वीकार करके जियो, तो फिर कोई ना जन्म है ना मरण है ना भय है और ना कुछ संसार में कोई परिक्रमण। लेकिन तब जब अपना अनुभव हो कि भैया क्या अनुभव हो कि संसार में जी के तो देख लिया, संसार की सारी व्यवस्थाएं बना के तो देख लिया, संसार के सारे राग भाव भी कर लिए जितना मन था, जितने जितने साल की अपनी उम्र हो गई उसमें हमारा जितना मन था राग भाव करने का हमने भरपूर राग भाव किया, जितना मन था हमारा द्वेष भाव करने का हमने उतना भरपूर द्वेष भाव किया, जितना हम राग कर सकते थे अधिक से अधिक उतना राग किया, जितना द्वेष कर सकते थे उतना द्वेष किया, जितना कर्तव्य लाद सकते थे जितना कर सकते थे, पुत्र का परिवार का समाज का दुकान का मकान का उतना कर्ता भाव कर लिया, तो जितना पांच इंद्रियों के विषय को भोग सकते थे पूरी ताकत लगा के पांच इंद्रियों के विषयों को भोग भी लिया, सब कर लिया कि नहीं कर लिया, सबका रिजल्ट क्या आया बता, रिजल्ट क्या आया, जहां थे वही के वही। अच्छा थोड़ा और, थोड़ा सा और चाहिए क्या ना भैया, तो मन नहीं भराया, 50, 60, 70, 70 साल की उम्र हो गई ना अभी मन नहीं भराया, थोड़ा सा और, वही वाली कहानी हो गई, वो कुएं में लटक रहा है, ऊपर से चूहे डाल कटर रहा है, नीचे से काले नाग पांच इंद्रियों के विषय डसने तैयार है, तो सदगुरु कह रहा है अब ये ज्ञान कर ले विमान में आ जा और इन दुखों से छूट जा, एक ऊपर से शहद की एक बूंद टपकने का इंतजार कर रही और वहां मधुमक्खी चीत रही है काट रही है, लेकिन वो शहद की एक बूंद टपक नहीं रही, वो टपकने का इंतजार कर रही है, भैया एक बूंद और आ जाए और इस बूंद का मैं स्वाद ले लूं या उसके बाद मैं कहां चलूंगा, मोक्ष चलूंगा, है ना। तो एक बूंद का और इंतजार हो रहा है ना, थोड़ा सा काम होने पड़ जाए, वो संयोग में थोड़ा सा काम और निपट जाए, घर गृहस्थी के थोड़ा सा काम और हो जाए, ये पांच इंद्रियों की भोग इतने दिन से भोग रहा है अभी तक तृप्ति नहीं मिली, अब थोड़ा भोग के और देख ले शायद मिल जाए, शायद 1 करोड़ है 50 लाख है भैया, और 1 करोड़ करके देख ले 2 करोड़ करके देख ले, अभी तक संतुष्टि नहीं मिली थी शायद 2 में मिल जाए, 2 हो जाए तो शायद 3 में मिल जाए, करके देख ले थोड़ा बहुत, है ना, सही ना। भगवान आत्मा वो एक बूंद का चक्कर 99 रुपए हो जाए किसी के पास, 1 रुपए नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के पास 99 हो जाए तो उसे 100 करने की इच्छा, जब वो 100 हो जाए तो वो 99 के जब तक 99 नहीं थे तब तक कोई आकुलता नहीं थी, लेकिन जब 98 उसे 99 हो गए तो आकुलता इतनी बढ़ गई कि एक और मिल जाए तो पूरा 100 का नोट पक्का हो जाए, तो एक की चाहना में 99 का कोई मोल ही, एक की पूर्ति करने के लिए वो पूरे सब कुछ पूरे 99 में मिटा देगा और आकुलता की आकुलता नहीं रहेगी, और जब एक भी नहीं था तो सुखी था, वो 99 का चक्कर ही बुरा है, क्योंकि वहां एक और के चाहना अंतर में जन्म लेती है। जीवात्मा सावधान, कितना सटीक उदाहरण है, खा लिया पी लिया अच्छे से रह लिए, पुण्य के अच्छे अच्छे सुख भी भोग लिए, जितना जीवन में जितना कुछ करना था वो सब कर भी लिया और हासिल आई 0, जिस सुख के लिए जो काम करे थे सुख की जगह आकुलता ही मिली है, अभी नई उम्र में नहीं लग रहा हो तो जिन जिनके बाल सफेद हो गए उनसे जाकर पूछ लो सब करने के बाद क्या मिला,
जिनके बाल सफेद हो गए हैं उनसे पूछ लो, और अभी वो वहीं लगे हुए दिखेंगे उनसे, क्यों क्यों, क्योंकि अभी आसक्ति चुनने वाली तत्व निर्णय का अभ्यास नहीं है, भेद ज्ञान से आत्म स्वभाव को स्वीकार करने तैयार नहीं है, आज भी वही जुटे हुए कोलू के बेल की तरह वही गोल गोल घूम रहे। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं ये जीवात्मा अप्पा पर पिक्षित, तो आत्मा में और पर में अंतर पहचानो कि आत्मा क्या है और पर क्या है। अप्पा पर पिक्षित तो आत्मा और पर में अंतर जानो। तारण स्वामी कह रहा है अनमोद ज्ञान अवलवली, क्या करो अपने अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करो, अबल ये अबल को भी बलि बलवान बना दे, देखा ना अनमोल ज्ञान अपने आखिरी सूत्र याद करने का, अनमोल ज्ञान क्या करो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभव न करो, अबल बलि ये अबल को भी बलवान बना देगी, ज्ञान अनुभव ज्ञान, और ज्ञान स्वभाव की अनुभूतता से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे बोल रहा है ज्ञान अनमोल अवलवली, याद होगा कि नहीं हो गया, ज्ञान नहीं ऐसा नहीं, अपन ने थोड़ा अनमोल ज्ञान अवलवली क्या है, अपन अनुभूत ना करेंगे ज्ञान स्वभाव की अबल बली, तो अबल अपने को लग रहा है ना बलहीन है, ताकत नहीं है, अभी शक्ति नहीं है, कैसे मोक्ष मार्ग चलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, यदि अपन ज्ञान ज्ञान स्वभाव की अनुभूतना करेंगे ज्ञान के बल से सम्यक ज्ञान के बल से, यदि ध्रुव तत्व की अनुभूतना करेंगे तो अबल बली, तो इस अबल को भी अनंत बल प्रकार हो जाएगा। उदाहरण समय कहते हैं ज्ञान अनुमोद ज्ञान या ज्ञान की अनुमोदना से ही केवल ज्ञान की प्रकटता होगी, बिना ज्ञान के आश्रय के बिना सम्यक ज्ञान की शक्ति के बिना भेद ज्ञान की शक्ति से केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, ज्ञान की अनुमोदना से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसके अलावा मुक्ति का और कोई उपाय नहीं। तो अपने क्या करना है समाप्ति की ओर, दो मिनट बचे बस, क्या करना है लेकिन हो कैसे, जीवन भर का अनुभव तो है अपने पास कि संसार में पल पल दुख है, राग करो तो राग की पूर्ति नहीं होती तो दुख, द्वेष करो तो भाई मन में कसार भड़कती रहती तो दुख, कर्ता बनो तो भैया हमारे अनुसार कार्य होते नहीं है जैसा होना वैसे होते हैं तो दुख, भैया यदि व्यापार में लाभ हो जाए तो सुखी हो जाओ तो पल घाटा हो जाता है साथ में तो दुखी हो जाते, और यदि लाभ होके यदि पैसा कमा भी ले तो भैया रोग बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास चला जाता है, कि ना यहाँ साधक होते आता है वहाँ असाधक होते पीछे से आता है, कि ना थोड़ा बहुत सुखी होने की कोशिश करते हैं सुख आभास करने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं हो पाता ढंग से, उसके पहले कोई ना कोई पाप कर्म की प्रकृति आती है बता देती है ये क्षणभंगुर सुख है सुख आभास है ये शाश्वत रहने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत सुखी होने का मार्ग बनाओ तो ये नाना प्रकार के संयोग नाना प्रकार के निमित्त कहीं ना कहीं से दुख लेके आई जाते, तब क्या निर्णय करना है क्या करने है, जानते अपन सब है पर अब आज जीवन के अनुभव को प्रकट करें अपन, कि सब कर लिया सब धर लिया सब भोग लिया सब व्यवस्थाएं बना ली लेकिन बिना अपने अंतर में आए बिना भगवान की बात को स्वीकार किए बिना निज आत्मा को स्वीकार किए बिना तीन काल में भी सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, इसे अपने जीवन का अनुभव बना लो, इसे अपने जीवन का सिद्धांत बना लो, इसे अपनी चर्या बना लो कि जिस दिन जीने वाले जैवत स्वभावी आत्मा के साथ में जीऊंगा उस दिन मेरे जीवन का सच्चा सुख प्रकट हो जाएगा, और ये संसार के सुख नश्वर है संयोग नश्वर है, ये संसार के संयोग आज नहीं तो कल छूटने ही है, भैया जो छूटना है जो अलग होना है उसमें कभी सुख नहीं
नहीं हो सकता। ऐसा अपन निर्णय करें तो अपन सारे विकल्पों से बच जाएंगे और जीने वाले जैवंत स्वभाव के साथ जीना सीख जाएंगे तो हमारा भाव मरण छूटेगा। भाव मरण छूटेगा तो द्रव मरण छूटेगा और ये आत्मा संसार के दुखों से मुक्त होके परम अपने परम सुख को प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त करेगी। ऐसा श्रीमद् चिंतारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शुक्रवर शांत तारण करम लाचार्य जी महाराज की जय। नमस्कार।